फिलहाल रहिए हमारे साथ राजवीर चौधरी बिजनौर से हमारे साथ है। बिजनौर की क्या सूरत हाल है राजवीर? अनुज आपको बता दूं, मैं बिजनौर जिले के सात द्वीप और बिजली फीडर पर हूं और यहां पर एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई हुई है, एक होमगार्ड की है और वहां यहां पर और कोई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, यहां से पिछले 72 घंटे से लगभग बिजली की सप्लाई बाधित है। इलाके के लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कई गांव प्रभावित हुए हैं। और इतना ही नहीं, जिले भर की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो लगभग सैकड़ों से ज्यादा फीडर बंद पड़े हैं। और जो जिला मुख्यालय बिजनौर की बात अगर करें तो 18 घंटे में कल बिजली शहर कोतवाली शहर में आई है। तो जब जिला मुख्यालय पर 18 घंटे 20 घंटे बाद बिजली सप्लाई शुरू हुई है तो जो ग्रामीण के इलाके हैं वहां कोई उम्मीद नहीं है और लगातार अफसरों की फोन घंटी घनघना रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है जनता की और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। ग्रामीण इलाकों में जो बिजली की हालत है बस से बदतर हो गई है और जो ग्रामीण पानी की जो किल्लत है वो बढ़ गई है, क्योंकि अब हैंडपंप गाँव में नहीं होते, सबर सेविल का काम है तो सबर सेविल नहीं चल पा रहे, लोग जनरेटर की व्यवस्था करके अपना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अनुज मेरे साथ में कुछ यहाँ पर ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या दिक्कत है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत मौर्य, भारतीय किसान यूनियन जिला सचिव। ठीक है, सरकार ने नाक में दम करके रख दिया, किसान तो वैसे ही परेशान है, ट्यूबवेल पे बिजली नहीं, गाँव में बिजली नहीं, डंगर भूखे मर रहे हैं। ये तो सरकार ने पहले 5 साल भुगत ली थी, अब 5 साल बाद फिर इसने परेशान करके रख दिया, किसान परेशान, आम जनता परेशान, सब कुछ परेशान। बिजली को लेकर नहीं आ रही आपके, 72 घंटे हो गए यहाँ बिजली आए हुए और लोग जनरेटर से 100-100 रुपए में अपना टैंक भरवा रहे हैं, कई कुट्टी काट रहे हैं जी। और बिल्कुल जयपाल के पास चलते हैं, वाराणसी जयपाल के पास चलते हैं। जयपाल, वाराणसी में इस हड़ताल का कितना असर देखने को मिल रहा है? क्या वाराणसी में भी लोग परेशान हो रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के यहाँ भी जोरदार प्रदर्शन चल रहा है और शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चक्का जाम की स्थिति है। लोग उग्र हो रहे हैं क्योंकि 12 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, पानी की किल्लत है, लोग जो है जनरेटर चला रहे हैं और कई साल बाद जो है इस तरह के दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस वक्त हम एक विद्युत उपकेंद्र पर खड़े हैं और लोग यहाँ पर सुबह से ही आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनको जिस तरह की परेशानी हो रही है कि आखिर बिजली कब आएगी। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं जो बुनकरी का काम करते हैं, उनको भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिजली जाने की वजह से इनको किस तरह की दिक्कत, कैसी दिक्कत हो रही है। अभी बिजली चली, बहुत दिक्कत है, परेशानी की दिक्कत। आपको सूचना मिल पा रही है कब से बिजली नहीं है यहाँ? ये कल से भी, आज शाम को 6 बजे से बिजली कटी है और अभी तक बिजली नहीं है। लोगों के घर में टंकी में पानी नहीं है, खाना बनाने को पानी नहीं है, पानी से सारी काम होता है भैया, और बहुत दिक्कत है। अनुज, हम आपको तस्वीरें लेकर अंदर दिखाते हैं, जरा देखिए यहाँ पर तमाम लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है और लोग जो है काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। हम उनसे बातें नहीं करें, किस तरह के हालात है अभी बनारस में? हालात बहुत दयनीय है, हर जगह किसी भी क्षेत्र में लाइट कल शाम 6 बजे से नहीं है और हम लोग के तरफ परसों भी लाइट कटी थी, कल भी कटी है, आज भी कटी है। अब प्रतिदिन लाइट जब से हड़ताल पे, ये लोग जानबूझकर ये लोग काट रहे हैं, लाइट में कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा, ये गुस्सा जो है आप लोगों का गुस्सा जो है वो कर्मचारियों पर निकल रहा है? देखिए इस तरह की जो है तकझक चल रही है और इस तरह की जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर सामने, किस तरह से गुस्सा है, नाराजगी कितनी है? बहुत ज्यादा नाराजगी है बिजली को लेकर, घर में पानी नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और मोदी के संसदीय क्षेत्र में बिजली नहीं है, इसकी पूरी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की है। देखिए जो विद्युत कर्मी है और जो सरकार के बीच इस तरह का तनाव चल रहा है। जयपाल रहिए आप हमारे साथ, रहिए हमारे साथ, अवधेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आएंगे जयपाल दोबारा आएंगे, आपसे बातचीत जरूर करेंगे। अवधेश जी देखिए यहाँ पर अलग अलग जगहों से हमारे जो सहयोगी है वो ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बीच का रास्ता क्या है, इस मसले का हल क्या है? अब देखिए एक चीज आपको बताऊं, बिल्कुल आपके रिपोर्टर जो बात बता रहे हैं वो सच्चाई है और उस सच्चाई से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि कितने बिजली के जो भी लोग हड़ताल पे हैं कितने असंवेदनशील हो गए हैं, हमारी जनता गिड़गिड़ा रही है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है और खड़े होकर लोग तमाशा देख रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। उनको यह नहीं पता है कि प्रदेश की जनता अपनी मांग को मनवाने के लिए आपकी प्रदेश की जनता में आपको अंधेरे में डालकर और आप ये सोचते हैं कि आप ब्लैकमेल कर लेंगे। ब्लैकमेल बहुत देर तक आप प्रदेश की जनता को नहीं कर सकते। सबको पता है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे इस मामले को पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और हम लोगों को अभी भी भरोसा है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी स्थिति पर कंट्रोल करेंगे और लगातार आप एक चीज देखिए जी, दो बातें निकल कर आ रही हैं, दो बातें देखिए निकल कर आ रही है। एक बात सही है आपकी कि आम जनता परेशान हो रही है, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो लोग परेशान हो रहे हैं, 72 घंटे हो रहे हैं, 70 घंटे हो रहे हैं, हर जगह पर बिजली नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब कर्मचारियों की मांग को कैसे नजरअंदाज किया जाए, वो भी तो अपनी मांग रख रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज आप समझिए, आप समझिए, कर्मचारियों की मांगे माननीय उच्च न्यायालय ने, कर्मचारियों की मांगों का समझौता माननीय उच्च न्यायालय में गया, माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर आर्डर किया कि आर्म ट्विस्टिंग है, आर्म ट्विस्टिंग का मतलब होता है कि हाथ मरोड़ के दस्तखत करा लेना। तो जब माननीय उच्च न्यायालय की सरकार सुने कि इन कर्मचारियों की बात सुने, माननीय उच्च न्यायालय एक संवैधानिक पीठ है, उससे बड़ा कोई फैसला होता है क्या? ये लोग जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, जब माननीय उच्च न्यायालय के सामने कल इनको जवाब देना पड़ेगा तब इनको पता चलेगा। ये कोई तानाशाही नहीं है, आप तानाशाही करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नहीं मानेंगे, सरकार का आदेश नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, आप जो चाहेंगे करवा लेंगे। ये उत्तर प्रदेश है, ये इंडिया है, या लोकतांत्रिक परंपरा के तहत संवैधानिक परिपाटी चलती है, गुंडई नहीं चलती है। गुंडई के आधार पर तानाशाही करके आपको लग रहा है ये कर्मचारी गुंडई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, तो कह रहे हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबको है। अरे भाई लोकतंत्र, अच्छा ये बताइए अगर लोकतंत्र है तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश कोई नहीं मानेगा? माननीय उच्च न्यायालय का आदेश कोई भी कार्मिक क्यों नहीं मानेगा? माननीय उच्च न्यायालय से बड़ा है कोई क्या? ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय जब पूरे मामले को देख रहा है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मानना चाहिए ना भाई। आकाश